हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डोसा बनाने के लिए हमने 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल और 1 टेबल स्पून मेथी दाना हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। अब इसमें पानी डालकर हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। बना लिया हमने। इसके बाद इसमें दही डालकर अच्छे से फेंट कर और फिर इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अब देखिए ये कितने अच्छे से फ्लफी हो गया है और बिल्कुल स्मूथ बैटर बना हुआ है। इसे हमने थोड़े हेल्दी बनाने की कोशिश की है, इसलिए हमने एक बीटरूट लिया है, इसे कट कर लिया है और इसे हम फाइन पेस्ट बनाकर इस बैटर में अच्छे से डालकर फेंट लेंगे। इसे इसी में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। हमने तवा को गर्म कर लिया है और इसे बिल्कुल सेंटर में रखकर गोल गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ चलाते हुए बड़ा सा डोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर इसमें हमने घी डाला है, आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या ऑयल फ्री भी बना सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर हमने ये डोसा के लिए जो मसाला तैयार कर रखा था इसे हमने डाला और ये हमारा डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा।